साथ ही झारखंड के अंदर में जितनी माइंस है, जब से चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो या संयुक्त सरकारें बनी है, पूरे झारखंड के माइंस पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा, माफियाओं का कब्जा और पूरी तरीके से झारखंड के अंदर भी लूट है। झारखंड मिनरल के क्षेत्र में तो रिचेस्ट है, धनी है, लेकिन झारखंड की जनता बहुत ही गरीब है। झारखंड की जनता का जो अस्तित्व है बिल्कुल खतरा में है। जो भी सरकारें आई हैं कॉरपोरेट घरानों की मदद से उनको विस्थापन करने का प्रयास करती है। अभी जो सरकार आई है, जो वन अधिकार अधिनियम को कानून तो बनी है, लेकिन जंगल से आदिवासी साथियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जहां भी उनके विरोध में लड़ाई चल रही है उनको भिन्न भिन्न दुर्नामों से नक्सली कहकर, उनको माओइस्ट कहकर, अभी लगता है कि झारखंड के जेलों में ये निरीह आदिवासी जो है वो 6500 लोग अभी जेल के अंदर में हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जो लड़ाने वाले साथी हैं, जो उनके आवाज़ को बुलंद करने वाले साथी हैं, उनको सरकार देशद्रोही कहकर उन पर यूपीए की केस दर्ज कर रही है, उनको जेल में भेजने की प्रयास की जा रही है और पूरी तरीके से माइंस का लूट झारखंड के अंदर में है। झारखंड के अंदर में जंगल का लूट है, जंगल जमीन का लूट है और इसके लेकर आदिवासियों के अंदर में एक बेचैनी है। और जहाँ जहाँ आदिवासी एकजुट होते हैं वहाँ हर 3 किलोमीटर के अंदर पर CRPF का कैंप बैठता है और CRPF के कैंप के द्वारा गांवों को तबाह किया जाता है, आदिवासियों को तबाह किया जाता है, उनको विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है और जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों को लाकर वहाँ के माइंस, चाहे कोल माइंस हो, आयरन माइंस हो, गोल्ड माइंस हो, यूरेनियम माइंस हो, ओपन खनिंग हो रही है। आज की जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार आदिवासी के नाम पर आई थी, बीजेपी को हराकर जनता ने आदिवासी के नाम पर दिया था कि आदिवासियों के हित करेगी, लेकिन ये सरकार का मुख्यमंत्री खुद खनन में अपने नाम से पट्टा लिया हुआ है। इसका जांच चल रही है, इसका भाई बालू माफिया है, वो भी यहाँ का विधायक और सांसद बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के जल जंगल जमीन की लूट, खनिज खान की लूट, नदियों की लूट, जो हमारे सार्वजनिक जमीन थे, यो इसके पूर्व की सरकार जो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एक लैंड बैंक बनाया, उस लैंड बैंक में 22 लाख एकड़ जमीन उन्होंने लैंड बैंक में रखा और 120 कंपनियों को बाहर से बुलाकर उन्होंने ग्लोबल समिट किया और कहा कि जहां भी तुमको कारखाना बनाना है जमीन ले लो, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ, खनिज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ के आदिवासियों की जो लड़ाई है, अभी तक 120 में एक व्यक्ति भी वहाँ नहीं बैठ सका है। लेकिन जो इंटरनल माइंस है उस पर माफियाओं का पहले से कब्जा है और आज भी खनन हो रहा है, वहाँ की जनता अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन कर रही है, लेकिन उस आंदोलन को सरकार के द्वारा भी दबाया जा रहा है और माफियाओं के द्वारा भी उसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहाँ की आदिवासी जनता, मूलवासी जनता लड़ने के प्रयास कर रही है। लेकिन इतने केसों के अंदर में उन पर दमन चल रहा है कि आज की डेट में आप झारखंड के जिस कोने में चले जाएंगे, हर 3 किलोमीटर पर CRPF का बड़ा बड़ा कैंप लगा हुआ है। वो कैंप जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो कॉरपोरेट घरानों की सुरक्षा में लगा हुआ है, वो माइनिंग और जंगल की लूट के लिए लगा हुआ है। तमाम माफिया उनके अंदर में रह कर माइनिंग का लूट कर रहे हैं और ये सरकार चाहे जो भी बनी हो, वो जनता की सरकार नहीं रही है। और जब भी उसका खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे, वो कहते हैं कि ये जन विरोधी लोग हैं, ये लोग माओइस्ट लोग हैं, ये लोग उग्रवादी लोग हैं और उन पर भिन्न भिन्न तरह के खतरनाक केस दर्ज करके उनको जेल के अंदर में भेजा रहा है। अभी हम लोग एक क्रेशर माइंस का बहुत बड़ा, वो गांव के बीच में है, वो खनन का जो नियमावली है उसको फॉलो अप नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों DC का घेराव किए हैं, हम लोग पर केस हुआ है सरकारी काम में बाधा डालने का, 148 धारा तोड़ने का, कई तरह से 15-20 लोगों पर हुआ है, वो भी आंदोलन अभी चल रहा है। और पूरे झारखंड के अंदर में हमें लगता है कि 200 पहाड़ गायब हो गए, ये खनन माफियाओं ने बड़े बड़े पहाड़ों को वो क्रेशर मशीन में कूच कर पूरे पहाड़ों को ख़त्म कर दिया और जंगल के बालू वहाँ से उठता है, बॉम्बे और दिल्ली के बाज़ारों में बिकता है और ये पूरे बालू माफिया, पहाड़ माफिया, जंगल माफिया, लोहा अयस्क का माफिया, कोल माफिया, ये पूरे तरीके से झारखंड की जनता को तबाह किए हुए है। झारखंड की जनता का जीवन
बिल्कुल खतरा में है। हम लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं। CPIML रेड स्टार जिन जिन जिलों में हमारा काम है हम वहाँ इसको एकजुट करके इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। मैं वशिष्ठ CPIML रेड स्टार झारखंड का राज्य सचिव और केंद्रीय कमेटी सदस्य आपके सामने अपनी बात को रखा हूँ।